एवरीवन, दिस इज मी सिद्धार्थ ए के योर देसी वैगाबॉन्ड एंड ये वीडियो मैं अपने घर पे ही शूट कर रहा हूँ. एज अ लॉट ऑफ यू माइट नो कि मैं ये वीज़ा और जो बजट वाली वीडियोज़ होती हैं ये मैं घर पे ही करता हूँ, और कोई भी ट्रैवल टिप्स वाली वीडियो मैं बनाता हूँ ये मैं अपने घर पे ही करता हूँ. ये मेरा ड्राइंग रूम है एज़ यू कैन सी, एंड ऑब्वियसली मैं अपना एड्रेस तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता. बट एनी वेज, अ लॉट ऑफ यू नो दैट आई लिव इन न्यू डेली. इस वीडियो में मैं अपने थाईलैंड की बजट बताने वाला हूँ, और ये वीडियोज़ भी मैं इसलिए बताता हूँ बिकॉज आप लोगों के इंस्टाग्राम DMs आते हैं या कॉमेंट्स आते हैं कि भाई आप इस कंट्री में गए हो, आपका कितना खर्चा हुआ, आपने कैसे चीज़ें करी, क्या आपका बजट का ब्रेकडाउन था, वगैरह वगैरह. तो मैंने सोचा मैं इनकी ऐसी सेपरेट वीडियोज़ बनाया करूँ हर ट्रिप के बाद कि मेरा क्या बजट था और आप इस बजट में कैसे करके आ सकते हैं. तो मैं पूरा प्रॉपर ब्रेकडाउन दूंगा. मैंने नोट्स बनाए हुए ऐसे, इसमें मैंने लिख लिया है कि मेरे मोटा मोटा खर्चा क्या हुआ था पूरे ट्रिप में. तो स्टार्ट ऑफ मैं ये बताता हूँ कि मैं थाईलैंड गया था जून एंड से जुलाई मिड तक. तो जून 25 से लेकर जुलाई 10 तक मैं थाईलैंड में था, करीबन 15 दिन. और उस टाइम पे मतलब ये तो नहीं कह सकता कि टूरिस्ट सीज़न था, आई थिंक ऑफ सीज़न ही था. टूरिस्ट सीज़न उसके एक दो महीने बाद आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो प्राइसेस थोड़े से कम थे देन यूजुअल, बट इस बजट में आप भी करके आ सकते हो इफ़ यू प्लान इट वेल. तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की. फ्लाइट्स आइडियली आपको एक महीने से दो महीने पहले बुक कर लेनी चाहिए. मैं यूजुअली दो साइट्स प्रेफर करता हूँ, एक तो skyscanner.com, एक vigo.com. इन दोनों पे बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं. इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप में से किसी को बुक करनी है तो यू कैन गो देयर एंड बुक. मैंने दिल्ली टू बैंकॉक और बैंकॉक टू दिल्ली की फ़्लाइट बुक करी थी, और ये मेरे को पड़ी थी करीबन 17,000 की. मैं जैसे देख पा रहा हूँ मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मेरी फ़्लाइट यहाँ से दिल्ली टू बैंकॉक थी विया बैंगलोर. बैंगलोर में 2 घंटे का लेओवर था शायद, और आते वक्त थी बैंकॉक टू दिल्ली विया कोलकाता. तो ये करीबन मेरे को 17,000 की पड़ी थी. आपको इससे थोड़ी कम की भी मिल सकती, इससे ज़्यादा की भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कब बुक करते हैं. बट आइडियली अगर आप बुक कर रहे हैं तो दिल्ली से एटलीस्ट आपको 15,000 से 17,000 के बीच में रिटर्न टिकट्स आराम से मिल जाएंगी. सबसे सस्ती आपको कोलकाता से मिलती हैं. कोलकाता से तो मैंने कुछ फेयर्स देखे हैं कि रिटर्न टिकट 10,000 से कम में मिल गई है, तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द कोलकाता पीपल. आप इजिली बैंकॉक बहुत सस्ते में घूम के आ सकते हैं. इसके बाद मैंने एक तीसरी फ्लाइट ली थी जो मैंने थाईलैंड के अंदर ही ली थी, बिकॉज आई ट्रैवल्ड फ्रॉम बैंकॉक टू नीचे आइलैंड्स में. आई टुक अ फ्लाइट बैंकॉक टू कराबी. वियत जेट की फ्लाइट थी, वियत जेट इज़ द एयरलाइन का नाम, और ये मेरे को करीबन 1500 से 1700 की पड़ी थी. मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा, बट 1700 के करीब की थी फ्लाइट. तो फ्लाइट्स में मेरे करीबन 18,000 के करीब खर्च हुए. एंड फ्लाइट्स में बस यही होता है कि अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए तो थोड़ी सी महंगी होंगी. आप वो भी पहले बुक कर लेंगे तो आपको 2,000 या 3,000 ही महंगी मिलेंगी, बट यूजुअली लेयर वाली फ़्लाइट्स सस्ती होती हैं. जैसे मेरी थी इंडिगो की जाते वक्त विया बैंगलोर, और आते वक्त स्पाइस जेट की विया कोलकाता. तो ऑल एंड ऑल ठीक थी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं प्रीमियम चार्टर से जा रहा हूँ या सस्ते चार्टर से जा रहा हूँ. मेरे को बस जाके घूमना होता है, और इनमें मेरा बैगेज इंक्लूडेड था. बट यूजुअली सम बजट कैरियर्स चार्ज यू मोर फॉर बैगेज, तो आप वो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. दूसरी चीज़ जो है वो है वीज़ा. अब दैट्स द थिंग, एक मेन रीज़न मेरा जाने का थाईलैंड, क्योंकि मेरा दूसरी बार था, वॉज बिकॉज वीज़ा ऑन अराइवल था. एंड ये वीज़ा ऑन अराइवल अभी एक्सटेंड भी हो चुका है. थाई गवर्नमेंट ने वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस एंड अदर नेशनैलिटीज़ के लिए 31 अप्रैल 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है. तो आप आराम से अपनी फैमिलीज, फ्रेंड्स या इवन सोलो लाइक मी आप जा सकते हैं, एंड यू कैन विजिट थाईलैंड वीज़ा फ्री.
मैं ना वीजा ऑन अराइवल कैसे लेना है बैंकॉक के एयरपोर्ट पे, इसकी अलग वीडियो बनाई है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप मेरी बैंकॉक रादर थाईलैंड प्लेलिस्ट अगर आप पूरी देख लेते हैं तो यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि आप कैसे थाईलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वीज़ा का कोई चार्ज नहीं था मेरा। अब तीसरी चीज़ आता है इंश्योरेंस। मैं हमेशा इंश्योरेंस बुक करता हूँ, बहुत ही बोरिंग चीज़ है आई नो, बट इंश्योरेंस बुक करना हमेशा सेफ होता है कि अगर आपका पासपोर्ट खो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, और ज़्यादा भी नहीं होता। आई थिंक मैंने 600 से 800 रुपए पे करे थे फॉर 15 दिन इन थाईलैंड, जिसमें मेरे को पूरी कवरेज मिली थी, पासपोर्ट खो जाए, मेरे को कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर मेरा सामान खो जाए एयरपोर्ट पे वगैरह वगैरह, वो आप जाके टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ICICI या HDFC से बुक करता हूँ हमेशा अपनी इंश्योरेंस। ICICI लॉम्बार्ड और HDFC का भी अपना है, तो आप वहाँ से जाके इंश्योरेंस बुक कर सकते हो। चौथी चीज़ पे आते हैं अकोमोडेशन। एज यू ऑल नो, मैं यूजुअली हॉस्टल्स ही प्रेफर करता हूँ, आई डोंट रियली स्टे इन होटल्स या गेस्ट हाउसेस। जो भी सबसे सस्ता ऑप्शन होता है आई विल गो फॉर दैट। तो मैंने अपने पूरे 15 दिन में हॉस्टल्स ही बुक करे थे, बट आने वाली वीडियोस में और आने वाले ट्रिप्स में मैं काउच सर्फिंग भी करूँगा। एंड आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती कि भैया काउच सर्फिंग करो, हिच हाइकिंग करो, आई विल बी डूइंग ऑल ऑफ दैट। मैं उस कंफर्टेबल स्टेज पे अभी पहुंचा नहीं हूँ, बट आई थिंक आई विल बी देयर बाय द नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रिप। नेक्स्ट ट्रिप तो आपको पता है कौन सा है, जो मैं जिसकी वीडियोस डालने वाला हूँ, ताइवान, साउथ कोरिया एंड वियतनाम। उसके बाद वाला ट्रिप शायद जो करूँगा उसमें काउच सर्फिंग हिच हाइकिंग होगी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अकोमोडेशन, मैं 15 दिन रहा था हॉस्टल्स में एंड हॉस्टल्स रेंज फ्रॉम 300 से 500 रुपये पर डे, कभी कम भी था कभी ज़्यादा भी था। तो मैं इसका एवरेज बता रहा हूँ आपको, 300 से 500 रुपये पर डे था, तो 15 दिन का ये करीबन 4,500 से 5,000 के करीब हुआ, विच इज़ आई थिंक इट्स फाइन। इससे सस्ते में भी हो सकता है, इससे महंगे भी हो सकता है, लाइक आई सेड, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी लग्जरी चाहिए, कितनी कन्वीनियंस चाहिए, आप किस सीज़न में जा रहे हो, बहुत चीज़ों पे होता है। अगर आप काउच सर्फिंग करते हो तो ये पूरा फ्री भी हो सकता है, बट 4,500 से 5,000 फॉर 15 दिन आई थिंक इट्स फाइन फॉर मी। इसमें भी मैं बता देता हूँ ब्रेकडाउन कि मैं कहाँ कहाँ पे रुका था। मैं करीबन 3 से 4 दिन बैंकॉक में था, अपना स्टार्ट करा था ट्रिप तो 2 दिन स्टार्ट के और 2 दिन एंड के मैं बैंकॉक में था। उसके बाद 2 दिन मैं आओनैंग कराबी बीच पे था, 2 दिन मैं कोफीफी में था, 2 दिन मैं कोपांगान में था और 3 से 4 दिन मैं कोटाओ आइलैंड पे था। तो ये ब्रेकडाउन हो गया मेरी अकोमोडेशन का, 4,500 से 5,000 में मैंने अपनी पूरी अकोमोडेशन कर ली थी। इसके बाद आते हैं इनर ट्रांसपोर्टेशन की, बिकॉज मैंने हर जगह फेरीज ली थी। आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रहे हैं तो यू विल टेक फेरीज, और कोई जरिया नहीं है जाने का, यहाँ पे तो हिचहाइक भी नहीं कर सकते, यू विल हैव टू टेक फेरीज। तो मैं बताता हूँ मैंने कौन सी फेरीज ली थी और उसका प्राइसेस क्या थे, अप्रॉक्सीमेट है ये। अगर आपको डिटेल्ड जानना है तो आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बिकॉज मैं जून और जुलाई में गया था और मैं ये वीडियो नवंबर में शूट कर रहा हूँ, तो मोर और लेस यही प्राइसेस होंगे एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम सीजन टू सीजन। बट मैंने ली थी आओनैंग से रायले बैक एंड फोर्थ की फेरी, जो मेरे को करीबन 350 से 450 रुपये की पड़ी आने जाने की। फिर मैंने ली थी आओनैंग से कोफीफी की वन वे, जो मेरे को 400 से 600 रुपए की पड़ी थी। फिर मैंने कोफीफी से कोपांगान ली थी, जिसमें फेरी, बस फेरी एक पैकेज पूरा मेरे को 1,500 से 1,800 रुपए के करीब में पड़ा था। फिर कोपांगान टू कोटाओ की थी, वो करीबन 300 से 400 रुपए अगेन, बिकॉज ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। कोपांगान से कोनांगयुन की वापस की पड़ी थी 300 से 400 रुपए अगेन। और फिर कोटाओ टू बैंकॉक, जिसमें फेरी एंड बस है, वो मेरे को करीबन 1,500 से 1,800 रुपए की पड़ी थी। तो इनर ट्रांसपोर्टेशन में मेरे करीबन 5 से 6,000 के करीब खर्च हुए थे। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इट्स ऑल्सो बिकॉज मैं काफ़ी सारे आइलैंड्स पे गया था। आइडियली आप एक या दो आइलैंड्स पे ही जाओगे तो आपका भी 2,000 या 3,000 से ज़्यादा नहीं होगा, बट मेरा 5 से 6,000 के आया था, बिकॉज मैंने काफ़ी फेरीज ली थी और आपने अगर सारी वीडियोस देखी हैं तो आपने देख लिया होगा वो।
तो ये था इनर ट्रांसपोर्टेशन. इसके अलावा आई थिंक आप इस पे 1000 से 1500 और ऐड कर सकते हो, बिकॉज मैंने बैंकॉक में एक दो बार कैब्स ली थी, एयरपोर्ट से वापस आने का खर्चा एंड जाने का खर्चा, मेट्रोज वगैरह वगैरह, ये मेरे को प्रॉपर एस्टिमेट नहीं पता, बट ये 1000 से 1500 से ज़्यादा नहीं होगा. तो कुल मिला के मेरा इनर ट्रांसपोर्टेशन पे 6 से 6.5 से 7 हज़ार के करीब, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा. अब नेक्स्ट चीज़ आती है खाना. खाना मैंने यूजुअली थाई फूड ही खाया था. मैंने आई थिंक एक दो बार ही शायद कोई और खाना खाया होगा, और मोस्टली आई रिलाइड ऑन 7-Eleven. मैंने 7-Eleven की भी अलग से एक वीडियो बनाई है जो आप जाके देख सकते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और आप मेरी थाईलैंड प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं. उसमें से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि मैंने कैसे क्या करा. ये बस एक मैं समरी दे रहा हूँ इस वीडियो में. तो खाने पे मैंने यूजुअली थाई फूड खाया था, थाई स्ट्रीट फूड खाया था, 7-Eleven से खाना खाया, और जो भी सस्ते रेस्टोरेंट्स थे मैंने उससे खाया. और मेरा 15 दिन में करीबन खर्चा 6 से 8 हज़ार आया खाने पे. तो करीबन आप कह सकते हैं 300 से 500 रुपये पर डे, इससे कम ही था. वैसे मैं एक एस्टिमेट दे रहा हूँ, 6,000 से 8,000 के बीच में था मेरा. इसके अलावा मैं एक और सेगमेंट डालूंगा मिसलेनियस. जैसे मैं एयरपोर्ट पे मैंने कुछ खाया, या फिर मैंने अपने घर से टैक्सी ली, सुवेनियर्स खरीदे, कुछ अपने लिए सामान खरीदा, वो मैं अलग से मिसलेनियस डाल देता हूँ. और मेरा आई थिंक मिसलेनियस में 2,000 था. तो टोटल अगर मैं करूँ 18,500 फ्लाइट का, 500-600 रुपये इंश्योरेंस के, 19,000, 4 से 5,000 हॉस्टल का, 25,000 हो गए, 6 से 8 हज़ार खाने का, तो 31,000-32,000 इनर ट्रांसपोर्टेशन और मिसलेनियस मिला के पूरा जो ग्रैंड टोटल आया 15 दिन का थाईलैंड में ट्रैवल करने का, वाज अराउंड 40,000-42,000, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बजट है. लोग यूजुअली हफ्ते जाते हैं और इतना ही खर्च कर देते हैं इफ़ यू आर स्टेइंग इन होटल्स और अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो. तो आप इजीली थाईलैंड को बहुत सस्ते में कर सकते हो. आई डिड इट इन 40,000-42,000. लाइक आई हैव सेड काउंटलेस टाइम्स, आप इससे कम में भी कर सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा में भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा. तो ये एक आपको अच्छा आइडिया मिल गया कि आप कितना खर्च करेंगे वहाँ पे. इफ़ यू आर गोइंग सोलो, आई वुड से अगर आप हफ्ते के लिए जा रहे हो, कीप अ बजट ऑफ 30,000-35,000. उससे ज़्यादा के लिए जा रहे हो तो आप पे डिपेंड करेगा. आई डिड 2 वीक्स एंड मैंने 42,000 में कर लिया. अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो एक हफ्ते का, 3 पीपल, तो आई वुड से आप तीनों लोगों का आराम से 75,000 से 85,000 में कर सकते हो. वो आप पे डिपेंड करेगा आप होटल्स में रह रहे हो या कैसे रह रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग विद फैमिली आप होटल्स या एयरबीएनबीज में ही रुकोगे. इफ़ यू आर गोइंग विद फ्रेंड्स तो आप कॉम्प्रोमाइज करके आराम से मस्ती में हॉस्टल्स में रुक सकते हो मेरी तरह. तो ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज मैंने दे दिए हैं, एंड आई प्रिटी मच ट्राइड टू कवर एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू इस वीडियो में. और इन वीडियोज़ को मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, मैं कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करता कि मैं लाइटिंग देखूँ या कुछ देखूँ. मैं बस एक जगह ढूंढ लेता हूँ और मैं वहीं पर शूट कर लेता हूँ. तो आई होप यू डोंट माइंड दैट कि मैं इसमें कोई सिनेमैटिक शॉट्स या कुछ नहीं डालता. आई जस्ट कीप इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट. ऑल्दो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बिकॉज मेरे को अच्छी तरह एक्सप्लेन करनी थी हर चीज़. बट अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेरीज हैं, प्लीज़ आप मेरे को बेहिजक कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. माय इंस्टाग्राम पे SidAlpha96 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा. विद दैट सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एंड दिस ऑल्सो कम्प्लीट्स आवर थाईलैंड सीरीज फॉर नाउ. थाईलैंड तो शायद हम लोग बहुत बार जाएंगे, बिकॉज आई एम ओनली एक्सप्लोर्ड द साउथ ऑफ थाईलैंड. मैंने नॉर्थ ऑफ थाईलैंड एक्सप्लोर नहीं करा. बट कीपिंग दैट असाइड, आई होप जितना मैंने थाईलैंड दिखाया आप लोगों को अच्छा लगा है. आई रियली अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट दैट आई हैव गॉटन. हम ऑलमोस्ट 2000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँचने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ. एंड आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता. आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, इतना सपोर्ट मिलता है आप लोगों से, एंड आई नो ये ज़्यादा ही होने वाला है इन द फ्यूचर.
विद दैट सेड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियोज, जो भी आएंगी वो ताइवान से आएंगी. आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दैट सीरीज. ख़त्म करते हैं. कोई भी डाउट हो यू पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम और आप कॉमेंट्स में डाल देना. मैं एक दो घंटे से ज़्यादा में आपको वेट नहीं कराऊंगा. आई विल रिप्लाई टू यू. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye-bye guys, and I hope all of you are well and doing very good in your life. Bye-bye.